राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सरकार के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति तैयार कर ली है। मोर्चे के प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल ने बताया कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अगर प्रदेश सरकार राजकीय कर्मचारियों की एक सूत्री मांग को लेकर कोई ठोस रणनीति तैयार नहीं करती है तो उनका संगठन विधानसभा चुनाव के बहिष्कार के लिए परिवार सहित तैयार है। पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा द्वारा 25 अप्रैल को कुमाऊं आक्रोश रैली आयोजित की गई है। निश्चित रूप से मैं हजारों कर्मचारी हमारे हल्द्वानी में रहेंगे और वो हमारे लिए सरकार के लिए एक ऐलान रहेगा कि कर्मचारियों का अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो हम सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो चुके हैं। और आक्रोश रैली कुमाऊं मंडल की है, उसके बाद सीधा विधानसभा घेराव या मुख्यमंत्री आवास घेराव होगा, क्योंकि इस तरह हम अपना उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे बुढ़ापे का एकमात्र सारा पुरानी पेंशन है, इसको हम लेके रहेंगे और इसके लिए क्योंकि ये हमारा अधिकार है। 35 या 40 साल सेवा करने के बाद अगर यदि हमें पेंशन से वंचित किया जाता है और वहीं एक दिन का विधायक सांसद को पेंशन दी जाती है तो ये कौन सा न्याय है? ये हम इसके लिए लगातार हमने चाहे देवताओं के भी गुहार लगाए, हमने लगातार बहुत कार्यक्रम संघर्ष किए हैं, परंतु अभी तक सरकार द्वारा कोई सकारात्मक पहल हमारे पक्ष में नहीं किया गया, तो ये हम उत्पीड़न किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और 2022 का चुनाव होगा वो कर्मचारियों का सरकार के बीच आर पार होगा। मोर्चे के मंडलीय सचिव भावन सिंह ने बताया कि उनका संगठन लंबे समय से अपनी मांग को लेकर संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब अगली रणनीति दिल्ली से ही तैयार होगी जो पूरे देश में लागू होगी। सरकार के तमाम मंत्री और विधायक भी मान रहे हैं कि जो वर्तमान में स्कीम चल रही है वो कहीं ना कहीं गलत है, कार्मिकों के साथ धोखा हुआ है, लेकिन सरकार हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी बात को हल्के में ले रही है और एक तरह से बरगलाने की कोशिश कर रही है। तो हमारा स्पष्ट मैसेज है कि अब कोई भी कार्मिक झुकेगा नहीं, हम लगातार संघर्ष करेंगे और चाहे उसके लिए विधानसभा घेराव करना पड़े, चाहे हमें दिल्ली में जाना पड़े, क्योंकि सरकार क्लियर कर चुकी है कि ये फैसला जो है वो दिल्ली से ही होना है। तो हम सीधे अब दिल्ली में ही कूच करेंगे और पूरे प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के सभी कार्मिक, अब अगला हमारा मिशन है कि हम संसद का घेराव करेंगे। पौड़ी से न्यूज़ स्टूडियो के लिए मुकेश पछेती की रिपोर्ट। उसमें ये लिखा गया था जो संविधान में